सो फाइनली गाइज, एक नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के पास, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुकी है। वो यूनिवर्सिटी और कोई नहीं, वो है जेपी यूनिवर्सिटी। तो ये है जेपी यूनिवर्सिटी का मेन गेट, जो आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है जेपी यूनिवर्सिटी का मेन गेट। और मैं इसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मेरा सेशन है 18-21। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपने यूनिवर्सिटी का दर्शन कर लूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ जेपी यूनिवर्सिटी के पास, और अभी अंदर जाऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐसा यूनिवर्सिटी जो आपको 6 साल और 8 साल में ग्रेजुएशन फाइनल कराता हो, मतलब करीब आपको 6 साल के अंदर तो मतलब हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 6 साल लग ही जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ATM है यहाँ पे लगा हुआ है। तो आखिर हो क्या रहा है जेपी यूनिवर्सिटी में? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेन गेट है, इतना ब्रांड बनाया हुआ है, लेकिन बच्चों के भविष्य से जिस तरह खेलता है ये जेपी यूनिवर्सिटी, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। मैं आपको बता दूँ कि मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मेरा 18-21-21 में फाइनल हो जाना चाहिए था, और अभी 22 ख़त्म हो चुका है, और मेरा अभी तक 2 ही साल फाइनल हुआ। जो आपको दिख रहा है ये है जेपी यूनिवर्सिटी में के अंदर जाने का मार्ग, एकदम बढ़िया ब्रांड टाइप से बनाया गया। मेरी आवाज़ें गूंज रही है यहाँ पे, तो आप देखिए, मैं आपको अंदर दिखाऊंगा कि जेपी यूनिवर्सिटी दिखता कैसा है, स्वरूप कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम आगे से आपको दिखा रहे हैं, ये है, रुकल जाओ, हाँ मैंने आगे का यही है लुक, प्रशासनिक भवन है ये। सो फाइनली गाइज, अब हम लोग पहुँच चुके हैं जेपी यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के प्रांगण में, और यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो आपको मेरे पीछे ये दिख रहा है यही है जेपी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिमा लगा हुआ है, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी का है, इधर से धूप है, और ये आगे का मेन फ्रंट का जो सीन है आपको दिख रहा होगा, ये फ्रंट का सीन है। उधर हमारे दोस्त जी आए थे, त्रिलोकी जी वहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशासनिक भवन, सामने आपको एक गुंबज की तरह बना हुआ है, एक मकबरा की तरह दिख रहा है। तो बहुत ही ग्रैंड ब्रांड टाइप का बना है ये जेपी यूनिवर्सिटी, जो छपरा में स्थित है। आप देख सकते हैं ये मतलब मेन फ्रंट गेट है, और आपको हमने दिखाया कि पीछे का कैसा सीन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही है जेपी यूनिवर्सिटी, जो छपरा में आप लोग आएंगे तो ओवर ब्रिज पार करने के बाद आना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा लगी हुई है, और इधर से आप लोगों को जो लुक दिख रहा होगा सामने, कि मतलब इतना दूर मेन गेट है, तो बागीचे से भरा हुआ है ये पूरा, एकदम मस्त जेपी यूनिवर्सिटी का पूरा प्रांगण है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। आइए इधर हम आपको दिखाते हैं, अपने त्रिलोकी जी से मिलाते हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए, त्रिलोकी जी आए थे, इनका जो ग्रेजुएशन किए हैं फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। तो यही है जेपी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आए थे और हमको भी लाए थे, तो हमने कहा ठीक है ब्लॉग वीडियो शूट कर लेते हैं। और ये है जेपी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रांगण में एक बहुत ही शानदार, क्या बोलते हैं, पोखरा। बहुत ही एकदम देखिए कितना अच्छा दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए गुलाब का फूल, क्या बोलते हैं, कमल का फूल निकला हुआ है, तो बहुत ही एकदम। और वहाँ पे सामने जेपी यूनिवर्सिटी दिख रहा है, देख रहा है आप लोगों को। तो ये है एक नज़ारा, गार्ड साहब को मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए वहाँ पे एक गार्ड साहब है, वो गाय हाँक रहे हैं, वो आए थे हम लोगों की गाड़ी पे आए, बोले कि तनी हम इनके छोड़ दो जी, हम इनके गाय हाँके के बाद। त्रिलोकी जी पूरा मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ किया जाए कि नहीं किया जाए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी जो जितने भी छपरा सिवान गोपालगंज के लड़के पढ़ते हैं यहाँ पे ज़रूर आते हैं एक ना एक बार। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आइए आप भी, कभी काम पड़े या ना पड़े लेकिन घूमना चाहिए, जेपी यूनिवर्सिटी यही है पूरी तरह एकदम मस्त मौला। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय, टाटा।